हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारी रूखी त्वचा और भी ज्यादा बेजान दिखाई देती है जब हम उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जो कि फ्रूट से बनाया जाता है। ये फ्रूट काफी यूनिक है, ज्यादातर लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी स्किन रूखी से काफी ज्यादा मुलायम हो जाएगी। बाजार के अंदर इसी फ्रूट के बहुत सारे मॉइस्चराइजर और क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ पीच यानी कि आड़ू के बारे में। पीच को बहुत कम लोग ही अपने फेवरेट फ्रूट के तौर पर खाते हैं और शायद कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि पीच दिखता कैसा है। ये दिखने में बिल्कुल एप्पल जैसा ही लगता है, लेकिन साइज में काफी छोटा होता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। आप इसी पीच का इस्तेमाल करके अपने लिए फेस पैक बना सकते हैं। एक पके हुए पीच के फ्रूट को अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए और इसके अंदर एक चम्मच की मात्रा में शहद मिला लीजिए। इस मिश्रण को अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाकर सर्कुलर मोशन में 10 मिनट के लिए मसाज करिए और 5 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। अगर आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करते हैं तो ये आपकी ड्राई स्किन को नॉर्मल बनाने में काफी मदद करेगा। सो दोस्तों, पीच से बने हुए इस फेस पैक को आज ही बनाइए और ट्राई करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।